बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद शाह जफ़र। वेलकम टू एनएस कंसल्टेंट। आज हम लीड्स बेकरी यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करेंगे। लीड्स बेकरी यूनिवर्सिटी का एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी ट्यूशन फीस क्या है, और इस यूनिवर्सिटी को क्यों सिलेक्ट किया जाए, और इसकी लोकेशन किधर है, ईच एंड एवरीथिंग। इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है बताएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं जी लीड्स बेकरी यूनिवर्सिटी। लीड्स बेकरी यूनिवर्सिटी जो है, इसकी अगर हम रैंकिंग की बात करें, इसकी ओवरऑल रैंकिंग तो रीज़नेबली है, इतनी अच्छी नहीं है। बट अगर हम इसकी एजुकेशन की बात करें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, इसका जो रैंक है सिल्वर रैंक है अकॉर्डिंग टू ईईएफ टीचिंग एक्सीलेंस फ्रेमवर्क। अब टीई जो बॉडी है, जो आपकी एजुकेशन और स्टूडेंट्स की सेटिस्फेक्शन की के लेवल को जो है मेयर करती है, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। नंबर दो पे बात आ जाती है। अब नंबर टू पे, अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनका जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है ग्रेजुएट्स जब इधर से निकलते हैं, उनका 90% प्लस पे आता है। ये भी एक बेस्ट पॉइंट है। थर्ड पे हम एक बड़ा यूनिक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा। जब मैंने इसको स्टडी किया 2016 में, एक सर्वे हुआ, उन्होंने सर्वे जितने भी ग्रेजुएट्स निकले हैं, तो ये यूनिवर्सिटी टॉप 5 बेस्ट यूनिवर्सिटी में आई। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करके निकले और वो सीईओ लेवल तक गए हैं, एक यूनिक और डिफरेंट पॉइंट है और एक अच्छा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, 60,000 स्टूडेंट्स जो है इस यूनिवर्सिटी को एज अ डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि जो जितने भी इस यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, वो इन सेंस पढ़ाए जाते हैं कि इनका जो कोर्स है जो है इंडस्ट्री लिंक के हिसाब से है, जिसकी बेस पे आप स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स को मार्केट में या ऑर्गेनाइजेशन में इतने हेल्पफुल होते हैं, जो आपकी फ्यूचर्स में आपको जो है बेनिफिट देते हैं। अब अदर फैसिलिटी में अगर यूनिवर्सिटी में बात करें, इसमें जो लाइब्रेरी तो हर यूनिवर्सिटी में होती है, इस यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी 24/7 ओपन होती है। यहाँ पे टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं, और एडवांस लेबोरेटरीज हैं अगर आप साइंस का कोर्स लेते हैं, और ये यूनिवर्सिटी जो है लेक्चर थिएटर भी प्रोवाइड करते हैं। अब आ जाते हैं लीड्स जो है लोकेशन, ये किधर है, ये इंग्लैंड में। और मैंने बहुत से इसमें पॉइंट्स निकाले लीड्स सिटी को, ये एक लिविंग एबल सिटी है और बहुत ही खूबसूरत है, और इसके साथ ही कंट्री साइड है यॉर्कशायर, और ये एक वन ऑफ द बेस्ट लैंडस्केप है। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे विज़िट करते हैं, सैर व तफरी करते हैं, और बहुत सारे वहाँ पे चीज़ें हैं देखने के लिए। लीड्स के ऊपर हम बात करते हैं, थर्ड बिगेस्ट सिटी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, और इसके साथ साथ बेस्ट डेवलपेबल सिटी है। तो यहाँ पे हर चीज़ वहाँ पे जो है मुयस्सर है, और आपको एक रहने का एक सिटी है और मज़े वाला सिटी है। मज़े वाले सिटी से अगर मैं बात करूँ, इसके साथ ही यॉर्कशायर है, काउंटी साइड है, और 40 मिनट्स का डिस्टेंस है। वहाँ पे सैर व तफरी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, और बहुत सारे लोग वहाँ पे जो है जाते भी हैं। वो आउटस्टैंडिंग लैंडस्केप है। इसके साथ साथ अगर हम सिटी के ऊपर बात करते हैं, तो यहाँ टॉप पॉइंट्स हैं शॉपिंग के, वन ऑफ द बेस्ट टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन है लीड्स में, तो एक बेस्ट है। और इकोनॉमिकल भी है, वहाँ पे इतना एक्सपेंस नहीं है और रहने के काबिल है। इसके साथ साथ अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो रिजनेबल है, इतना हार्ड नहीं है, और समर में जो इनका जो टेम्परेचर सिटी में होता है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, और जब हम विंटर की हम बात करें तो 9 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना हार्श इन्वायरमेंट और इतना हार्श वेदर वहाँ पे नहीं है। अब हम लीड्स का को मैप के ऊपर हम देखेंगे, ये आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि लीड्स सिटी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है।
ये देखें, लीड्स का सबसे पहले जो पास में यॉर्क, यॉर्क जो जहाँ पे जो मैं पहले मैंने आपको यॉर्कशायर का हमने बताया, ये यॉर्क सिटी के पास है, 25 मिनट्स का सफ़र है। और यॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क वहाँ पे भी अवेलेबल है, फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। दूसरी अगर हम अगर मैनचेस्टर के साथ इनको कंपेयर करें लीड्स को, जस्ट 1 आवर का डिस्टेंस है। और मैनचेस्टर के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर भी जाते हैं, तो उसके जो एज अ कंपेरिजन हम देखा जाए तो लीड्स बैकअप में भी इतना ही टाइम लगेगा। और एक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है और फास्ट रिस्पॉन्स है, फीस ईच एंड एवरीथिंग वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। थर्ड पे हम आ जाते हैं लंदन के साथ अगर कंपेरिजन करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आउटर लंदन में भी जाना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर जस्ट आपको 2 आवर लगेंगे लंदन में, तो आप वहाँ पर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। इवन के ग्लासगो स्कॉटलैंड के अगर साथ कंपैरिजन करें तो 3 आवर का डिस्टेंस है लीड्स बैकट यूनिवर्सिटी के साथ। जी, इस यूनिवर्सिटी की एंट्री रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बैचलर्स प्रोग्राम के लिए बैचलर्स प्रोग्राम भी अवेलेबल है, जेएन में बहुत कम है और सितंबर में एक प्रॉपर एक लाइन है कोर्सेज की। अगर हम यूकैस पॉइंट के ऊपर बात करें, ए लेवल्स किया हुआ है तो आपको जस्ट 112 से लेकर 120 कोर्स टू कोर्स स्पेंड करता है। 112 फॉर बिजनेस प्लान के लिए और कंप्यूटर कोर्स और साइंसेज के जितने भी हैं, ये 120 यूकैस पॉइंट आप देख रहे होंगे। इसमें आप सब्जेक्ट बाय 3 A level आप सब्जेक्ट पास करने होते हैं, उसके जो ग्रेड जो है यूकैस टैरिफ पॉइंट के साथ आप दे सकते हैं, और उसमें जस्ट आपको 112 पॉइंट रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो उसकी बेस पे हमें एडमिशन नहीं मिल सकता, आपको 2 ईयर का बैचलर्स रिक्वायर्ड है फॉर डायरेक्ट एंट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए। अगर आपने 2 ईयर का बैचलर्स किया है, चाहे आपने BA की है, आपने BCom किया हुआ है या आपने ADP किया हुआ है, तो आपका एडमिशन पॉसिबल है अगर आपके पास 55% मार्क्स है। अगर हम IELTS की रिक्वायरमेंट्स को अगर हम देखते हैं, IELTS की रिक्वायरमेंट जस्ट 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड है। अगर आपने ओ लेवल्स किया हुआ है उसके अगर A से लेकर C तक ग्रेड है ABC इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो आपका IELTS एग्जेम्प्ट हो सकता है। और बाद में आपको अदर टेस्ट के ऊपर मैं बात करूँगा। जी, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट की बात करते हैं, ये डिपेंड कर रहा होता है आपके कोर्स टू कोर्स, कुछ कोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है वो 65% या 3.5 CGP, और कुछ कोर्स की जो रिक्वायरमेंट है 55% है और 2.5 CGP रिक्वायर्ड है, चाहे आपका 2+2 का प्लान है, चाहे आपने ऑनर्स किया हो, तो ये रिक्वायरमेंट सेम है, बट डिपेंड कर रहा होता है कोर्स टू कोर्स। अगर हम IELTS के ऊपर बात करते हैं, IELTS की रिक्वायरमेंट वही सेम है, 6 नो लेस देन 5.5, ये एक बहुत बेस्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए। और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, अगर आपका बैंड ओवरऑल 6 आ जाता है तो आपको इस यूनिवर्सिटी को ज़रूर सेलेक्ट करना चाहिए। वो स्टूडेंट जिन्होंने इंटर किया है तो और वो पढ़ना चाह रहे हैं, तो लीड्स बैकट यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल कॉलेज भी एक पाथवे प्लान जो है आपको दे रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के अगर मैट्रिक अगर किया है और वो इंटरमीडिएट नहीं करना चाह रहा, तो उसमें आपको 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है मैट्रिक में, उसकी बेस में आपका एडमिशन पॉसिबल है। और उसमें आपको UK भी IELTS रिक्वायर्ड है, ओवरऑल 4.5 नो लेस देन 4.5 बैंड आपको रिक्वायर्ड होगा फाउंडेशन में। अगर आपने ओ लेवल्स किया हुआ है तो उसमें आपको 4 पासिस रिक्वायर्ड हैं, ए ग्रेड से लेकर सी ग्रेड तक आपके 4 सब्जेक्ट पास हों। और दूसरी बात यह है, अगर आपने ए या AS लेवल किया हुआ तो जस्ट 40 UCAS पॉइंट रिक्वायर्ड है। वो अगर बैंड आपके सॉरी अगर आपके नंबर कम है ए लेवल्स में या AS में, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं बाई पाथवे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। दूसरी बात, इसमें जो फाउंडेशन 2 किस्म के हैं, जो पहले मैंने आपको जो फाउंडेशन बताया वो Year 0 है, वो फाउंडेशन करके आपको 3 ईयर का बैचलर्स प्लान दोबारा से लेना पड़ना है, मतलब 4 ईयर का आपको कोर्स लेना पड़ेगा। यहाँ पे Year 1 भी अवेलेबल है कि वो यूनिवर्सिटी के पहले साल के बराबर है, वो आप कंप्लीट कर लें Year 1, तो जब आपने दोबारा यूनिवर्सिटी में जब जाना है तो आपने Year 2 में जाना है, मतलब आपका ईयर प्लान 3 है। वो स्टूडेंट जिन्होंने ए लेवल पर अच्छे मार्क्स से किया हुआ है, ठीक है, जो मैंने पहले बताया था UCAS 112 लिया हुआ है या उन्होंने 2 ईयर बैचलर्स किया हुआ पाकिस्तान की स्टडी में, वो डायरेक्ट बैचलर्स में जा सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका अगर बैंड कम है या उनका नंबर कम है, वो भी 3 ईयर बैचलर्स में जा सकते हैं फाउंडेशन पाथवे के थ्रू। Year 1 में उनका एडमिशन होना है,
इसमें सिंपल ये है कि आपके जस्ट ए या ए एस लेवल अगर आपने किया है तो आपको 40 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, और अगर आपने जो है आईएलटीएस में नंबर कम नहीं, जैसे 6 बैंड लो लेस देन 5.5 बैंड है, आपको जस्ट ओवरऑल 5 बैंड नो लेस देन 4.5 इन मिनिमम मॉड्यूल और रिक्वायर्ड होगा ईयर वन में, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, और इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। इनकी जो इनटेक है फाउंडेशन की जैन में भी है, नवंबर में भी है और सितंबर में भी है, ये 3 यहाँ पे को इनटेक्स हैं। अब आ जाते हैं डिटेल में, आपको कोर्सेज के ऊपर बात करता हूँ, मास्टर्स प्लान में आपके पास कौन कौन से कोर्सेज जी। सबसे पहले लैंडस्केप डिज़ाइन, आर्किटेक्चर लैंडस्केप डिज़ाइन के कोर्सेज अवेलेबल हैं, बिजनेस मैनेजमेंट ये तो जनरल कोर्सेज होते हैं, हर यूनिवर्सिटी दे रही होती है, क्रिमिनोलॉजी का कोर्स अवेलेबल है, इवेंट मैनेजमेंट के भी एक लाइन पड़ी हुई है, हेल्थ एंड कम्युनिटी केयर के कोर्सेज हैं, इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, अगर कोई फाइनेंस और इंटरनेशनल ट्रेड का कोई कॉम्बो चाहता है तो ये कोर्स बहुत अवेलेबल है वहाँ पर। यूथ वर्क एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, अगर कोई सोशल वेलफेयर के ऊपर या कोई इस तरह टाइप का अगर कोई कोर्स लेना चाह रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में बहुत यूनिक मैंने आपको बताया यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। बैचलर्स में तो जस्ट बिजनेस के कोर्सेज अवेलेबल होंगे जैन इनटेक में, और सितंबर में आपको इसमें से काफ़ी कोर्सेज आप बैचलर्स में मिल सकते हैं। और अब आ जाते हैं फीस के ऊपर, हम लें फीस ओवरऑल में आपको फाउंडेशन में तो 10-11 हज़ार पाउंड फीस है, और अगर हम बैचलर ट्रैक की बात करते हैं तो वहाँ इनकी जो फीस है तकरीबन 14-15 हज़ार पाउंड की फीस है, और 1,000 पाउंड का स्कॉलरशिप है। आइए अब हम पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर बात करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट की जो फीस है 16-17 हज़ार पाउंड फीस है, इसमें कोर्सेज के ऊपर स्कॉलरशिप है जो आप देख रहे होंगे। अब स्कॉलरशिप की अगर बात करें इसमें 1500 मिनिमम स्कॉलरशिप है और 3000 मैक्सिमम स्कॉलरशिप है, और वो कोर्सेज ये आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ आपको इतने इतने 1500 पाउंड बिजनेस के कोर्सेज हैं, और कुछ कोर्सेज आपको अवेलेबल नहीं होंगे उसको वहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रेट 3000 पाउंड का तो स्कॉलरशिप रिक्वायर्ड होगा। अब आ जाते हैं इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट जो आपको है जस्ट 50% जो है आपकी टोटल फीस आफ्टर स्कॉलरशिप डाल के वो आपने देना है। यहाँ पे इंटरव्यू इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, समटाइम विदाउट इंटरव्यू भी हो जाते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के साथ भी ये आपका जो है कैश प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो इंटरव्यू से आपने कभी भी नहीं भागना क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है, स्टूडेंट्स की ये जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो जेन्युइन स्टूडेंट है, उसको कोर्स का पता है, उसको यूनिवर्सिटी के ऊपर डीप नॉलेज है, तो ये एक सिंपल सी बात है, इस पर आप ज़रूर जो है इसकी मेहनत करनी चाहिए, इससे भागना नहीं चाहिए। ये थी आज की वीडियो, मैंने आपको प्रॉपर सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी के हवाले से सिटी के हवाले से मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो लाजमी विज़िट करें और हमें कंटेक्ट करें, और इसके साथ साथ मैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ लाजमी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।